गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ्स। कल हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 के। ओके, आज हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे 11 के लिए। क्या दिया गया है? अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 5। एक नंबर जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा 11 से इफ़ डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस इज आदर 0 और नंबर डिविजिबल बाय 11। ओके, इसको अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 11। हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिवाइड होते हैं कि नहीं। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सम निकालना है। किसका सम निकालेंगे? डिजिट्स का सम। ओके, इवन डिजिट्स का सम निकालेंगे जो इवन प्लेस पर आई हैं और ओड प्लेस पर जो आई हैं। ओके, तो ओड प्लेस पर कौन सी होंगी? जो ओड नंबर पे आई हैं, जैसे 1, 2 तो ओड नहीं होता है, 3, 4 और 5, यानी कि 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 प्लेस पर जो डिजिट हैं उनको सम करेंगे, ठीक है, ओड के लिए। सो सम ऑफ द डिजिट्स एट ओड प्लेस, ओड प्लेस पर क्या क्या है? 7, 3 और 6, यानी कि जो नंबर, जो डिजिट हमारी प्ले 1 पर आएगी, 3 पर आएगी और 5 पर आएगी, उन डिजिट्स को ऐड करेंगे ओड प्लेस के लिए। ओके, फिर सम करेंगे हम इवन प्लेस के लिए। इवन प्लेस पर कौन सी है? जैसे 2 पर है, जो नंबर हमारा, जो डिजिट हमारी 2 पर है और जो 4 पर है। ओके, तो 2 और 4 पर कौन सी है? 9 और 7। इन दोनों का सम कर लेंगे, दोनों का सम क्या है? 16 आया है। तो उस क्वेश्चन वहाँ पे आपको कहा गया था कि इनका डिफरेंस करना है, तो 16 माइनस 16 कितना आ गया? 0। अगर 0 आ जाता है तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 से। एक तो कंडीशन ये थी, यानी ये तो 0 आ गया, ये डिवाइड हो गया 0 से। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये नंबर अब डिवाइड हो जाएगा 11 से। अब सेकेंड कंडीशन ये भी आती है कि अगर यहाँ पर 0 ना आए तब क्या होगा? जैसे ये वाला एग्जाम्पल हो गया आपका, सबसे पहले वही किया, ओड प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम निकाला। ओड पर कौन सी आएंगी? फर्स्ट नंबर की, थर्ड नंबर की, फिफ्थ नंबर की और 7 नंबर की। ओके, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 7, ये नंबर की जो डिजिट आएंगी वो ओड प्लेस की होंगी, ठीक है। तो ओड प्लेस की डिजिट्स लिखी हमने 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3, और इनको ऐड कर लिया, ऐड करके 10 आ गया यहाँ पे। फिर इवन प्लेस के लिए निकालेंगे, इवन प्लेस पे कौन सी आएंगी? सेकंड नंबर, 4 नंबर और 6 पर। कौन कौन सी डिजिट है? सेकंड पर 6 है, 4 पर 8 है और 6 पर 7 है। तो 6 प्लस 8 प्लस 7 कितना हो गया? 21। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? जो भी नंबर इसमें बड़ा होगा उसमें से छोटे वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 21 में से माइनस किया 10, कितना आया? 11। दैट मीन्स अब हम देखेंगे कि 11 11 से डिवाइड हो जाता है कि नहीं। 11 तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 11 से डिविजिबल है। ओके, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 11। अब हमें ये चेक करना है कि ये नंबर जो है वो हमारे 11 से डिवाइड हो जाएंगे कि नहीं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। इसमें हमें नंबर दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम ओड प्लेस की वैल्यू निकालेंगे। ओड प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट है? तो ओड प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट है हमारी? 3, 9, 7, 8 और 6, ये हमारी ओड प्लेस की डिजिट्स हैं। यानी जो हमारी 1 पर आएगी, 3 पर आएगी, 5 पर आएगी और 7 पर आएगी, फिर 9 पर आएगी। हमने इन तीनों इन डिजिट्स को लिख लिया है और ऐड कर लिया है, 3 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 6। ओके, इज इक्वल टू कितना आ गया? 33। अब हम इवन प्लेस पर जो डिजिट है उनको देखेंगे। इवन प्लेस पर कौन सी है? जो रिमेनिंग रह गई है बाकी बची हुई, 2, 5, 1 और 3, ठीक है। 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 कितना आ गया है? ऐड कर 11। अब इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस करना है, बड़ा 33 है, दैट मीन्स हम 33 में से 11 माइनस करेंगे। 33 में से 11 माइनस किया, कितना आ गया है? 22। अब चेक करो कि 22 11 के टेबल में आता है कि नहीं, 11 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। 22 तो 11 के टेबल में आता है, दैट मीन्स 22 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये जो नंबर है, ये वाला नंबर भी हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। ओके,
क्वेश्चन नंबर थर्ड के जो रिमेनिंग पार्ट है ए बी और डी, ये आप लोग खुद से करेंगे, कॉपी में करना है, राइटिंग पे स्पेशली ध्यान दें अपना और डेट डाल लिया करें डेली के डेली। थैंक यू।